बांका में युवा उत्सव। बांका जिला के नगर भवन में बिहार सरकार कला संस्कृति एवं युवा विभाग के तत्वाधान में बांका युवा उत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन बांका के जिला अधिकारी सुरेश भगत, उप विकास आयुक्त रवि प्रकाश, पुलिस कप्तान अरविंद कुमार गुप्ता ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस कार्यक्रम में 15 से 30 वर्ष के 107 लड़का लड़कियों ने पेंटिंग, मूर्तिकला, नाटक, लोक नृत्य, सुगम संगीत, वायलिन की प्रतियोगिता में भाग लिया। सभी कलाकारों ने रंगमंच पर जनता के सामने अपनी अपनी कला का प्रदर्शन किया। इस युवा महोत्सव का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के कलाकारों, मूर्तिकारों, पेंटिंग कलाकारों को अपनी प्रतिभा की पहचान कर अपने जिले एवं राज्य में नाम रोशन करने का है। लिखा हुआ है और फिर उन्हीं के लाइनअप किया गया था और हम लोग मतलब गाए। तो समाज के लिए आप लोग उससे क्या सीख देना चाह रहे हैं? उससे यही समाज को ये सीख मिला है कि बेटा बेटी में कोई मतभेद नहीं करना चाहिए और बेटी आज के डेट में बहुत ही आगे बढ़ रही है और फिर उसको सपोर्ट करना चाहिए, आगे और बढ़ाना चाहिए। बेटी को पूरा पढ़ाइए, उसका जो सपना है उसको अपने पैर पैर पे खड़ा होना दीजिए और जो उसका सपना है उसको पूरा करने में माता पिता का पूरा साथ देना चाहिए। क्या नाम है आपका? ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखकर एवं रजौन में सस्पेक्टेड एक कोरोना मरीज मिलने के बाद स्थानीय प्रशासन अलर्ट मोड पर है। रजौन प्रखंड मोड़ पर आज प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी तथा रजौन सर्किल इंस्पेक्टर राजेश कुमार अपने दलबल के साथ मौजूद रहकर सघन मास चेकिंग अभियान चलाया, जिससे राहगीरों एवं आमजनों में हड़कंप मच गई। 15 से 18 साल के किशोर और किशोरी को लगना शुरू हुआ कोवैक्सीन। बांका जिले के अमरपुर में किशोर और किशोरी को कोवैक्सीन लगना शुरू हुआ। आज सोमवार को अमरपुर स्थित आदर्श बालिका उच्च विद्यालय में कोवैक्सीन की शुरुआत की गई। अमरपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी अमरपुर राकेश कुमार, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी हिमांशु शेखर आदि लोग, रेफरल अस्पताल अमरपुर के प्रभारी सुनील कुमार चौधरी ने संयुक्त रूप से फीता काट कर कोवैक्सीन सेंटर का उद्घाटन किया। मौके पर अस्पताल के मौजूद स्वास्थ्य कर्मी के द्वारा आदर्श बालिका उच्च विद्यालय के कई किशोरी को कोवैक्सीन भी दिया गया। आने वाले कोरोना की लहर से किशोर और किशोरी की भी जान खतरे से बाहर होगा। डॉक्टर सुनील कुमार चौधरी ने बताया कि 15 से 18 साल के सभी किशोर और किशोरी को कोवैक्सीन दिया जाएगा और वैक्सीन लेने के कुछ देर बाद तक आराम करने दिया जाएगा। किसी तरह की कोई परेशानी होने से हमारे स्वास्थ्यकर्मी सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। दिन के उजाले में अनियंत्रित ट्रैक्टर के पलटने से दो व्यक्ति की हुई मौत। बांका जिले के अमरपुर थाना क्षेत्र के कोजी डैम के समीप अनियंत्रित ट्रैक्टर पलटकर गड्ढे में गिरने से चालक सहित दो व्यक्ति की ट्रैक्टर से दबकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि चालक विजेंद्र राउत पिता स्वर्गीय चुनेश्वर राउत, राधे राउत पिता मत्तू राउत ट्रैक्टर से अपने ससुराल सिमराकुंड गांव अपनी सास से भेंट करने आया था। रविवार के दिन लगभग 9 बजे ससुराल से अपने घर ककना समुखिया मोड़ ट्रैक्टर से ही जा रहा था। इसी क्रम में कोजी डैम के समीप ट्रैक्टर का ब्रेक फेल हो गया और ट्रैक्टर अनियंत्रित हो गया। ग्रामीणों और आसपास के लोगों ने यह भी बताया कि ट्रैक्टर के पलटने के बाद आदमी को निकालने का प्रयास भी किया गया, लेकिन ट्रैक्टर से दोनों आदमी दब गया था और गड्ढे में पानी अधिक होने की वजह से आदमी को निकाल नहीं पाया और कुछ ही देर बाद दोनों की मौत हो गई। आसपास के लोग की मदद से एक व्यक्ति को निकाल लिया गया। अमरपुर पुलिस को सूचना मिलने पर अमरपुर थाना अध्यक्ष अब्दर अली अपने दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचा और ग्रामीणों एवं जेसीबी की मदद से ट्रैक्टर और लाश को पानी से बाहर निकलवाया और शव को कब्जे में लेकर बांका पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इधर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। बेलर प्रखंड के उच्च विद्यालय साहिबगंज में जिला पदाधिकारी के आदेशानुसार सभी उच्च विद्यालय एवं इंटर स्तरीय विद्यालय में सभी छात्र छात्राओं का टीकाकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें उच्च विद्यालय साहिबगंज में भी सभी छात्र छात्राओं का टीकाकरण किया गया। उच्च विद्यालय साहिबगंज में कोविड-19 टीकाकरण केंद्र बनाया गया। इस मौके पर उपस्थित विद्यालय के प्रभारी श्री राजीव लोचन सिंह, सोबिन सर, अनंत सर, शिव सर एवं टीकाकरण के कर्मचारी मौजूद थे। गुप्त सूचना के आधार पर ऑटो से 161 बोतल विदेशी शराब बरामद, 3 तस्कर को किया गिरफ्तार। बाईपास टीओपी के सामने डीएसपी कुमार गौरव के नेतृत्व में चल रहे सघन वाहन चेकिंग अभियान के दौरान एक ऑटो से 161 बोतल विदेशी शराब के साथ 3 तस्कर को गिरफ्तार किया है।
बाईपास पुलिस ने सघन वाहन अभियान चला रहे थे तभी डीएसपी को गुप्त सूचना मिली कि जगदीशपुर की ओर से आ रही एक ऑटो में शराब ले जाया जा रहा है। पुलिस ने चेकिंग अभियान तेज कर दिया। जगदीशपुर की ओर से आ रही एक ऑटो को जब चेकिंग के लिए रोका तो ड्राइवर समेत अन्य दो तस्कर भागने लगा। तभी पुलिस ने तीनों तस्कर को पकड़ा और जब ऑटो की तलाशी ली गई तो इंजन के अंदर बक्से में विदेशी शराब की 3 पेटी में 161 बोतल शराब बरामद किया। शराब गोड्डा झारखंड से भागलपुर ले जाया जा रहा था। गिरफ्तार तस्कर की पहचान भागलपुर विश्वविद्यालय ओपी थाना क्षेत्र के पर्वती नया टोला निवासी चालक सियाराम पासवान के पुत्र दीपाली कुमार, दूसरा बैकुन मंडल के पुत्र सहदेव कुमार व तीसरा स्वर्गीय पुतुल दास के पुत्र वीरुदास शामिल है। इधर पुलिस तीनों तस्कर को न्यायिक हिरासत में ले लिया है और ऑटो जब्त कर थाने में रखा गया है।